राधा माधव पब्लिक स्कूल की ओर से डॉक्टर नीलम सक्सेना कक्षा 10 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत सूरदास के पद प्रस्तुत कर रही हैं। हरी है राजनीति पढ़े आए, समझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। गोपियां उदास है कि कृष्ण उन्हें कोई संदेश नहीं भेजा। वे उदो से कहने लगी, हरी है राजनीति पढ़े आए। कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है क्योंकि वो मथुरा चले गए हैं, राजा बन गए हैं, तो राजनीति पढ़ ली अर्थात वो छल कपट का प्रयोग करने लगे हैं। समझी बात कहत मधुकर के, अरे गोपियों उधो ने जो कुछ भी कहा, मधुकर माने उधो, उधो ने जो कुछ भी कहा क्या तुम्हारी समझ में आया? समाचार सब पाए, क्या तुमने कोई भी समाचार कृष्ण का पाया? नहीं। इसीलिए साफ है कि कृष्ण हमसे छल कपट का प्रयोग करने लगे हैं। एक रति चतुर होते पहले ही, कृष्ण पहले ही बहुत चतुर थे, आप गुरु ग्रंथ पढ़ाए, परंतु अब तो उन्होंने राजनीति जैसा बड़ा ग्रंथ पढ़ लिया है, सचमुच और भी ज्यादा चतुर हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जाने जो उनकी जोग संदेश पठाए, लगता है कृष्ण की बुद्धि बहुत बढ़ गई है, इसलिए तो उन्होंने योग संदेश देकर उधो को भेजा है। उधो भले लोग पहले के पर हित डोलत धाए, उधो पहले के लोग ही भले हुआ करते थे जो दूसरे की भलाई में दौड़ते भागते रहते थे, अब अपने मन फेर पहे, अब हमें कृष्ण का संदेश नहीं चाहिए बल्कि हमें अपना मन वापस चाहिए जो चलते समय चुरा कर ले गए थे, अर्थात जब मथुरा जा रहे थे तो हमारा मन ले गए थे, वही हमें वापस चाहिए। ते क्यों अनीति करें जो आपन और अनीति छुड़ाए, हमें ये समझ में नहीं आता कि कृष्ण हमसे अन्याय क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वे तो अन्याय को दूर करने वाले हैं। राजधर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाने सताए, उधो से कह रही गोपियां, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उधो से कह रही हैं कि राजधर्म तो यही होता है कि प्रजा को सताया ना जाए। धन्यवाद बच्चों।